नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय 18 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में दो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होने जा रहे हैं। इस सृष्टि की इस विशेष खगोलीय घटना को हम राशियों के साथ किस प्रकार से जोड़ेंगे, इस पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। अब हम वृषभ राशि पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वृषभ राशि के एकादश भाव में ये ग्रहण बनेगा। चंद्रमा और राहु आपके एकादश भाव में होंगे। वास्तव में जिस भाव का स्वामी चंद्रमा होता है वो भाव ग्रहण के दौरान पीड़ित होता है। चंद्रमा आपके तीसरे भाव का स्वामी होगा और एकादश भाव में होगा, बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। लेकिन जिस चंद्रमा और जिस ये राहु जिस भाव में होंगे, आपके एकादश भाव में होंगे, धन आगमन का पूरा रिसोर्सेज, ये ग्रहण जरूरी नहीं सभी राशियों के लिए खराब होता है। वृषभ राशि के लिए ये अच्छा होगा क्योंकि इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा जिस राशि के स्वामी होते हैं, अब यहां पर वृषभ राशि के चतुर्थ भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य सुख का कारक है चतुर्थ भाव, तो वो अच्छी पोजीशन में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण से युक्त तो होगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों इस सृष्टि के चक्षु कहे गए हैं, नेत्र कहे गए हैं, और ये साक्षात देवता है। और सूर्य और चंद्रमा को जब छाया ग्रह केतु और राहु जैसे उन ग्रहों के कारण एक प्रतिबिंबित किया जाता है और या उसको ढक लिया जाता है, तो ऐसे में जिन जिन स्थानों के स्वामी सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में होंगे वो भाव पीड़ित होते हैं। इसके अलावा शास्त्र तो यहां तक कहता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो वो स्थान भी कष्टकारक माना गया है और उस दौरान उस व्यक्ति के लिए अच्छा परिणाम नहीं होता है। कारण क्या है कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो आपके पंचम भाव में चंद्रमा, जब चंद्र ग्रहण होगा तो एकादश भाव में, 180 डिग्री एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब हम बात करते हैं कि 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं सृष्टि के अंदर, ये सारे के सारे ग्रहण के दौरान प्रभावित होते हैं, जिनकी पत्रिका में चंद्रमा और राहु, सूर्य और राहु, चंद्रमा केतु और केतु और साथ केतु के साथ चंद्रमा या राहु का समीकरण अगर होता है, खास तौर से उनको अपने उस ड्यूरेशन में, यानी कि जो पितृ पक्ष आ रहा है 18 सितंबर से 2 और 3 अक्टूबर की रात हो, हालांकि ये दोनों के दोनों सूर्य और चंद्र ग्रहण इनका नगण्य प्रभाव भारत में दिखाई तो बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन जिन ग्रहों की चर्चा हम करने जा रहे हैं उनका परिभ्रमण तो कोई रोक नहीं सकता। सूर्य जहां परिभ्रमण कर रहा है कन्या राशि पर होगा, अमावस्या को ग्रहण भी होगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा वो बात अलग है। लेकिन अब 18 सितंबर की बात कर लेते हैं। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर परिभ्रमण करते हुए वृषभ राशि के एकादश भाव में तो होगा, लेकिन आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। जिन महिलाओं को एक्सपेक्टेड हैं कोई, या फैमिली वे में है, संतान उत्पन्न होने वाली है, या अपेक्षाएं हैं, या आशान्वित हैं, तो ऐसी स्थिति में उन परिवारों को चिंता करना आवश्यक है, अपने फैमिली डॉक्टर से या अपनी लाइफ स्टाइल और सावधानी के साथ अपनी उस अवधि को बड़े प्रेम से और धैर्य से व्यतीत करें।
और जो प्रिकॉशंस शास्त्रों में कहे गए हैं उनकी चर्चा बहुत लंबा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सबके पास इंटरनेट, सबके पास डॉक्टर, सबके पास सारी विधि तरीके मौजूद हैं। बस यही कहूंगा कि वृषभ राशि के लिए आपके वाणी स्थान में मंगल का जो प्रभाव है वो आपकी धन कुटुंब वाणी स्थान को प्रभावित तो करता ही है, लेकिन आपके पंचम भाव पर जहां पर केतु का संचरण होगा उस दौरान जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव चल रहा होगा तो वहां पर मंगल की दृष्टि का साइड इफेक्ट देखने को आपको जरूर मिलेगा। ये बात अलग है कि बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी, परंतु वो शत्रु दृष्टि होगी क्योंकि वहां पर केतु है और बृहस्पति बुध की राशि को उस भाव से, सकारात्मक भाव से नहीं देख पाता। एक नई चीज क्या है, आपके मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, प्रमोशन और नौकरी से जुड़े हुए मामलों में आपको बहुत दिन से जिस चीज की चिर प्रतीक्षा चल रही थी उसका लाभ अवेटेड था, जो अब वो उसके लाभ के मिलने की संभावना उस दौरान बनेगी। नई चीज ये है कि वक्री शनि आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी खुद की राशि के स्वामी उसी दिन जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन आपकी राशि का स्वामी अपनी ही राशि में अर्थात तुला राशि में मूल त्रिकोण में मालव्य योग बना करके एक बहुत अच्छी सी पोजीशन वृषभ राशि के लिए उत्पन्न करेगा। मान सम्मान के साथ साथ आपको और भी अन्य कई ग्रह पॉजिटिव इफेक्ट देने के लिए उस दौरान रहेंगे, लेकिन आपको अपनी संतान के प्रति बहुत सचेत और सजग रहना है। साथ ही साथ अपने वाहन चलाते समय, कार्य करते समय, पैसे का लेन देन ट्रांजेक्शन करते समय बहुत सावधानी, जो स्टूडेंट परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं उनको इस दौरान कुछ स्ट्रगल करना ही होगा। कारण क्या है, क्योंकि आपकी एजुकेशन हाउस में चल रहे केतु का जो संचरण ट्रांजिट है उस पर मंगल की दृष्टि है, कुछ थोड़ा सा साइड इफेक्ट होना स्वाभाविक है। स्ट्रगल आपका अभी जारी रहेगा इस दौरान। ये दोनों ग्रहण 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपके लिए खास तौर से जो अपने इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता का पिंड दान, तर्पण और जो भी पितृ पक्ष में अपने रेमेडीज देखते हैं, पिंड दान करते हैं, तर्पण, श्राद्ध, उनको इस दौरान विशेष रूप से जब ग्रहण आता है तो उस समय मनुष्य के तंत्र मंत्र यंत्र पूजा पाठ का कई हजार गुना सकारात्मक फल भी प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।